हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू सूजी की मसाला पूरी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आइए बिना कोई देर की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मसाला पूरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी गेहूं का आटा, 1 कटोरी मैंने यहाँ पर उबले हुए आलू लिए हैं, मैंने यहाँ पर एक बड़ा हुआ आलू लिया है। आप यहाँ पर 2 आलू भी ले सकते हैं, लेकिन आपको आलू को उबालने के बाद कद्दूकस करना है। 1 कटोरी मैंने यहाँ पर सूजी ली है। सबसे पहले हम इस सूजी को एक बड़े से बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद उसी कटोरी के नाप से हम लोग 1 कटोरी बिल्कुल गर्म उबलता हुआ पानी इसके अंदर डालेंगे, सूजी के अंदर। अब इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है सूजी को। उसके बाद हम इसका ढक्कन लगा देंगे और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, 10 मिनट हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं हमारी सूजी जो है पहले से काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गई है, सारा पानी सूजी ने अब्जॉर्ब कर लिया है। अब एक बार इसको हम इसके अंदर डाल देंगे ये उबले हुए ग्रेट किए हुए आलू। हमें यहाँ पर आलू को ग्रेट करके ही लेना है ताकि हमें आगे चलकर पूड़ी बेलने में दिक्कत ना आए, और कोई बात नहीं है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। 1 चम्मच यहाँ पर मैंने जीरा लिया है, जीरे को इस तरह से हाथों से अच्छे से क्रश करके डालना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच अजवाइन, इसे भी अच्छी तरह से हाथों से क्रश करके हुए डालना है ताकि इसका फ्लेवर जो है जीरा और अजवाइन का बहुत अच्छे से हमारी पूड़ी के अंदर आ सके। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। अगर आप मिर्ची यहाँ ज़्यादा खाते हैं तो आप मिर्ची की क्वान्टिटी बढ़ा सकते हैं, 2 चम्मच चिली फ्लेक्स ले सकते हैं। 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, आप 1 चम्मच कसूरी मेथी। उसके बाद लास्ट में हम ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। आप मिर्ची और नमक अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी चीज़ें आप जो मैं बता रही हूँ उस रेशियो से ही डालिएगा, तभी आपकी मसाला पूरी जो है बहुत अच्छी बनेगी। ये देखिए, अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस टाइम पर अगर आप अच्छे से मिक्स ना भी करें तो कोई बात नहीं, रफली इसे मिक्स कर लें। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये 1 कटोरी गेहूँ का आटा। जितनी आपने सूजी ली है उतनी ही आपको गेहूं का आटा, उतने ही आपको आलू लेने हैं। मेरे पास आलू बड़ा था इसलिए मैंने यहाँ पर 1 लिया था, अगर आपके पास छोटे हैं तो आप 2 ले सकते हैं, बाद में इसका मेज़रमेंट कटोरी से कर लें। आप एक साथ चाहे तो इसके अंदर सारा आटा डाल सकते हैं या फिर आधा आधा करके डालें। लेकिन एक खास टिप आपको ये ध्यान रखनी है कि इस पूड़ी में आपको 1 भी बूंद पानी का यूज़ नहीं करना है। आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि आपका डो जो है काफ़ी हार्ड हो रहा है, काफ़ी ड्राई सा लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप आटे को गूंथते जाएंगे और आपका आटा जो है काफ़ी सॉफ्ट होता जाएगा। बस 2-5 मिनट तक आप इसे कंटिन्यू गूंथते रहें। ये देखिए, मैंने इसके अंदर 1 बूंद भी पानी का यूज़ नहीं किया है आटा डालने के बाद, फिर भी कितना परफेक्ट डो बनकर रेडी हुआ है। अब हम इसमें लगभग 1 चम्मच के करीब ऑयल डाल देंगे और इसे एक बार और अच्छे से गूंथ लेंगे, क्योंकि अभी हल्का हल्का सा चिपकने लगा है, बस अब ये फाइनल स्टेज है। एक बार इसके अंदर ऑयल डाल देंगे और इस तरह से इसे परफेक्टली बिल्कुल रेडी कर लेंगे। बिल्कुल कम्प्लीट है हमारा आटा पूड़ी बनाने के लिए। अब यहाँ पर मैंने ली है एक बड़ी सी परात, इसको अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर देंगे। मैं यहाँ ऐसा क्यों कर रही हूँ अभी आपको आगे बताऊँगी। अब अपने हाथों को भी इस तरह से ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा आटा तोड़ेंगे इस तरह से, और इस तरह से थोड़ा सा गोल गोल घुमाते हुए छोटी छोटी सी लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। जितनी छोटी या बड़ी आपको पूड़ी बनानी है उतनी बड़ी आप लोई बना लें, उतने बड़े बड़े बॉल्स बना लें। मैं यहाँ पर एक एवरेज साइज़ बनाकर बता रही हूँ। हमें सारी बॉल्स को एक साथ बनाकर रख लेना है और ये काम आपको बहुत ही फास्ट करना है। और ये देखिए, मैंने सारी बॉल्स बनाकर रेडी कर ली है। अब इन सारी बॉल्स को या फिर सारी लोइयों को हम उसी बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे जिसके अंदर हमने डो लगाकर रेडी किया था। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। ये देखिए, मैंने सारी बॉल्स को इसके अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम लेंगे ये प्लास्टिक की शीट, मैंने इस तरह से इसको स्क्वायर शेप में कट कर लिया है, आप जैसे चाहे शेप में इसको कट कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हाथों को ग्रीस करते हुए हमें इन दोनों प्लास्टिक की शीट्स को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेनी है दोनों साइड से। ये वही प्लास्टिक की शीट है जिसके अंदर की हम लोग कपड़े पैक करते हैं। ये देखिए, इस तरह से दोनों साइड से अलट पलट करते हुए आपको इसको ऑयल से ग्रीस कर लेना है। अब मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। हमने आटे की लोइयाँ बनाकर रेडी कर ली है, उसके बाद हमने यहाँ पर ऑयल गर्म होने के लिए रखा है। अब मैंने यहाँ पर लिया है ये पूड़ी मेकर, जिसे आप पूड़ी बनाने की मशीन भी बोलते हैं।
अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पूड़ियों को बेलन से भी बेल सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है मेरे ख्याल से। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं तो आप बेलन से भी एक एक पूड़ी बना सकते हैं, लेकिन इसमें काम बहुत ही ज़्यादा ईजी और फास्ट हो जाता है, इसलिए मैं इस पूड़ी मेकर में पूड़ी की मशीन में ही पूड़ी बनाना पसंद करती हूँ। ये देखिए, इस तरह से एक एक बॉल उठाएंगे और इसे इस तरह से ऑयल के अंदर डिप करके इस तरह से प्लास्टिक की शीट एक बार नीचे बिछाएंगे, उसके ऊपर ये बॉल रखेंगे, दोबारा से प्लास्टिक की शीट बिछाएंगे और बहुत ही हल्के आंच से प्रेस करेंगे। अगर गलती से भी आपने थोड़ा सा भी ज़्यादा प्रेशर दे दिया तो आप देख सकते हैं आपकी पूड़ी कितनी बड़ी और कितनी पतली हो जाएगी, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि अगर आप इस तरह से पूड़ी को हल्का सा भी ज़ोर से प्रेस कर देते हैं या फिर थोड़ी सी भी ज़्यादा पतली कर देते हैं तो आपकी पूड़ी बहुत ज़्यादा ऑयली बनेगी और हो सकता है आपकी पूड़ी फूले भी तो ये बीच में से फूट जाए, उसके अंदर तेल भर जाए। इसलिए आपको इस बात का बहुत ही ज़्यादा खास ध्यान रखना है, अगर आप पूड़ी मशीन में पूड़ी बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हल्के हाथ से आपको पूड़ी को दबाना है, मशीन को प्रेस करना है। आलू सूजी की पूड़ी थोड़ी सी मोटी ही बनती है अदर पूड़ी की तुलना में, जो आप गेहूं के आटे की पूड़ी बनाते हैं उसके कंपैरिजन में ये पूड़ी थोड़ी सी मोटी ही होगी और उससे थोड़ी ज़्यादा ऑयली ही बनेगी क्योंकि ये आलू सूजी की पूड़ी है, लेकिन टेस्ट में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए, इस तरह से थिकनेस इसकी थोड़ी ज़्यादा ही होनी चाहिए, तभी आपकी पूड़ियाँ बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी। और आपको सारी पूड़ी एक साथ बनाकर बिल्कुल भी रेडी नहीं करनी है, वरना आपकी पूड़ी जो है वो अच्छे से फूलेगी नहीं। फिर आप ये मत कहिएगा कि हमारी पूड़ियाँ तो फूली ही नहीं। ये देखिए, मैं यहाँ पर 5 से 6 पूड़ी बना लूँगी और ये काम आपको बहुत ही ज़्यादा फास्ट करना होगा अगर आप ये काम अकेले कर रहे हैं तो। मैंने यहाँ पर 5 से 6 पूड़ी बना ली है। अब हम ऑयल को चेक करते हैं कि हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं। देखिए, हमारा ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। जैसे हमारा ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो जाए, जब आप पूड़ी डालें उस टाइम पे गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई करते रहें, लो फ्लेम पर आप पूड़ी को बिल्कुल ना पकाएं, वरना आपकी पूड़ियों के अंदर ऑयल भर जाएगा और आपकी पूड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा ऑयली बनेगी। मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही आपको पूड़ी को पकाना होता है या फ्राई करना होता है। ये देखिए, कितने अच्छे से हमारी पूड़ी जो है फूलकर रेडी हुई है, कितनी सुंदर लग रही है हमारी पूड़ी, देखकर इसे खाने का मन हो रहा है। इस तरह से हल्का सा गोल्डन कलर आने लगे उसके बाद ही आप इसे निकालें। ये देख लिए, बिल्कुल परफेक्ट हमारी पूड़ी बनी है। बस इसी तरह से आपको सारी पूड़ियाँ बना लेनी है। बस इन छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स का ध्यान रखना होगा आपको, और जहाँ तक हो सके आप 2 लोग पूड़ी बनाएं, ताकि एक इंसान पूड़ी बनाता रहे, एक मेंबर पूड़ी बनाता रहे और दूसरा पूड़ी फ्राई करता रहे। इससे आपकी सारी ही पूड़ियाँ फुली फुली और परफेक्टली बनेगी और आपका तेल का नुकसान नहीं होगा। अगर आप अकेले मेंबर पूड़ी बनाते हैं, अकेला इंसान पूड़ी बनाता है, तो आपका तेल जो है बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, बहुत ज़्यादा जलेगा, क्योंकि आप 4-5 पूड़ी बनाएंगे, फिर फ्राई करेंगे, फिर गैस का फ्लेम लो करेंगे, इससे आपका तेल बहुत ज़्यादा जल जाएगा। इसीलिए अगर हो सके तो आप 2 लोग ही पूड़ी बनाएं, अगर ना हो तो कोई बात नहीं, आप भी मेरी तरह अकेले 4-5 पूड़ी बनाते जाएं और इसे फ्राई करते जाएं और गैस बंद ना करें, बस गैस का फ्लेम लो कर दें जब आप पूड़ी बनाएं या फिर बेलन से जब पूड़ी बेलें, बस उसके बाद इस तरह से इसे फ्राई करते रहें मीडियम टू हाई फ्लेम पर। बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारी आपकी कुरकुरी और इस तरह से फुली फुली मसाला पूड़ी बनकर तैयार होगी। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही होगी। आप वीडियो को लाइक से ज़रूर कीजिएगा और अभी कर दीजिएगा, वरना आप बाद में भूल जाएंगे। और आप इस मसाला पूड़ी को हरी मिर्च के साथ, फ्राई की हुई हरी मिर्च के साथ इंजॉय कर सकते हैं, या फिर अचार या दही के रायते के साथ, जो भी आपका मन करे। ये देखिए, कितनी शानदार हमारी पूड़ी बनकर रेडी हो रही है। ये देखिए, मैंने सारी पूड़ियाँ बनाकर रेडी कर ली है। इससे पहले कि हमारी पूड़ियाँ ठंडी हो, मैं फटाफट इसे खा लूँगी। एक पूड़ी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, कितनी परफेक्टली हमारी पूड़ी बनी है, बहुत ही टेस्टी बनती है ये पूड़ी। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की अच्छी सी रेसिपीज मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। अब बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।